अच्छे रेट में, मतलब काफ़ी कम बजट का अगर आप सपना रखते हो एक सेकेंड हैंड कार लेने का, यहाँ पे लगी हुई है 95,000 रुपये में। बजट का मैं देख लीजिए 1,35,000 रुपये लेकर आइए और ये वाली कार को अपना बना लीजिए। कीमत है 4,35,000, 4,35,000। ठीक है, देख लीजिए 4,35,000 में लोग स्विफ्ट बेच रहे हैं। भैया आपको डिजायर पे चढ़ाएंगे, बिल्कुल रुपए की दे रहे हैं आप, क्या प्राइस रखें? इसकी प्राइस है 2,85,000। 2,85,000 रुपये में आपको मिलेगी 2017 मॉडल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता है इस चैनल पे, रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल पे आपको सेकंड हैंड कार की ब्लॉग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और बिहार में भाई, मतलब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से वन ऑफ द सक्सेसफुल चैनल जो है वो हमारा है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो उसी दौरान आज आपका भाई फिर से पहुंच चुका है सेकेंड हैंड कार की ब्लॉग बनाने के लिए, जहां पे कि आपको वैरायटी ऑफ यूज कार आज आपको देखने को मिलेगी। फोर्ड की ब्रांड से भी, मारुति सुजुकी की ब्रांड से, यहां पे महिंद्रा की भी ब्रांड से मिलेगी। और यहां पे महिंद्रा के ब्रांड से स्कॉर्पियो लगी हुई है, जो कि बिहार के किंग गाड़ियों में से एक होता है। व्हाइट कलर का भी ऑप्शन है आपके पास, जो कि स्कॉर्पियो S10 है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो S2 का भी ऑप्शन है, जो कि मरून और ब्लैक शेड में आपको दिख रहा होगा। सारा हम लोग ले लेंगे इंक्वायरी कहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। तो हम लोग खड़े हैं बिहार के पटना में भरद्वाज इंटरप्राइजेस को आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले भी हमने यहाँ की वीडियो दिखाई, उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज भी आपको छोटी कार भी दिखाई जाएगी, बड़ी कार भी दिखाई जाएगी, एड्रेस मैं आपको पूछ के बताऊँगा। बाकी यहाँ पर फाइनेंस की भी सुविधा अवेलेबल है, अगर आपका बजट कम है उस बजट की भी कार आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाली कार आपको 1,35,000 रुपीज़ में मिलेगी और ये वाली कार आपको 95,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो बजट कम है तब भी आपको उस रेंज की भी कार आपको दिखाई जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ यहाँ के ऑफिस में, वहाँ से मिलाऊंगा मैं यहाँ के प्राउड ऑनर को। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पहुँच चुके हैं भरद्वाज इंटरप्राइजेज में, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे छोटी मुलाकात करवाता हूँ यहाँ के प्राउड ऑनर सिद्धार्थ भाई से। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत टाइम बाद हम लोग आपके यहाँ शूट कर रहे हैं और काफी कुछ अपडेट हो चुका है, ऑफिस भी काफी अच्छा बन चुका है भैया। थैंक यू। तो आज क्या स्टॉक लेकर आया हमारे भाइयों के लिए, आज क्या मतलब अलग होने वाला है पिछले बार से? अंकित जी, इस लास्ट टाइम मैंने वीडियोस में बड़ी गाड़ियों को मैंने जिक्र किया था, काफी बड़ी गाड़ियों लोगों को मैंने दिखाई भी थे कस्टमर्स को। बिल्कुल, आज हमारे पास खुद स्टॉक्स छोटी गाड़ियाँ की भी होंगी। ठीक है, जिसमें मारुति की गाड़ी होगी, फोर्ड की गाड़ियाँ होंगी, होंडा की गाड़ियाँ होंगी, अभी कभी वेरियंट की गाड़ियाँ होंगी, ब्रेजा होंगी, हमारे पास स्पायर होंगी, काफी सारी गाड़ियां होंगी जो कस्टमर्स को देखने को मिलेगा। हाँ जी, मतलब आपको आज काफी बजट फ्रेंडली कार देखने को मिलेगी, अगर आप छोटा बजट भी रखते हैं तो। सिद्धार्थ भाई, उसके लिए भी है सर, 95,000 की भी गाड़ियां होगी, 1,00,000 की गाड़ियां होगी, सब रेंज की गाड़ियां मिलेंगी। मतलब आपको अंडर 1,00,000 भी आपके पास बजट है तो उस बजट की भी आपको कार दिखाई जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या है आपका लोकेशन, एक बार वो बता दीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कार दिखाएंगे हम। जी, मेरा ऑफिस भरद्वाज इंटरप्राइज के नाम, जैसे सभी लोग जान रहे हैं यूट्यूब पे, काफी आपके बिहार से काफी लोगों ने परिचित भी जाना भी इस चीज को। बिल्कुल, काफी रिकमेंड भी किया है कि रोमिंग बर्ड से काफी आपको वीडियो देखने को भी मिला है सर। हाँ जी, इसके थैंक्स टू यू मिस्टर अंकित, हम लोग को इतना रिकमेंड होता है, कस्टमर लोग जब बोलते हैं तो प्राउड फील होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे हमारा ऑफिस है बोर्डिंग कैनाल रोड में, भारत पेट्रोल पंप के ठीक अपोजिट जे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, जिसमें PNB का बैंक है। बिल्कुल, बस बैंक के बगल में हमारा ऑफिस है भरद्वाज इंटरप्राइज के नाम से। हाँ जी, तो काफी इजी टू रीच है, काफी इजीली आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल अभी हम लोगों ने बहुत बातें कर ली है, चलते अभी नीचे और दिखाते हमारे भाइयों को बहुत ही अच्छी अच्छी कार। फर्स्ट कार की ओर हम लोग आ चुके हैं, पहली कार ही होने वाली है बिहार किसान स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जी बहुत ही अच्छी कलर है, बहुत ही डिफरेंट कलर है। नंबर भैया बेगूसराय? जी बेगूसराय का नंबर है, कौन सा है ये सर? आपको स्कॉर्पियो S2 है, 2016 की मॉडल, 2016 की स्कॉर्पियो S2। कितना चला हुआ है अभी ये? चली अप्रोक्सीमेटली आपको 49,000 के अप्रोक्सीमेटली होगी। 50,000 के अंडर चला हुआ है, 49,000 किलोमीटर चला हुआ है। ऑनरशिप फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट ओनर फर्स्ट। ठीक है, कौन से साल का आपने बताया था ये? आपको 2016 की। ठीक है, 2016 की स्कॉर्पियो S2 आप देख रहे हैं, जिसका की फ्रंट प्रोफाइल आपके सामने है, अच्छे से देख लीजिए, भैया ने हमें डिटेल दे दिया है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले तो टायर की कंडीशन, जो कि अगर आप देखिएगा अच्छी खासी टायर बची है, मतलब आप कह सकते हो
एज गुड एज न्यू कंडीशन में खड़ी है। साइड प्रोफाइल की बात करें वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही डिफरेंट कलर है। अगर एक्स्ट्रा फिटिंग की हम लोग बात करें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्रोम की फिटिंग मिलेगी, डोरवाइजर भी मिलेगा, ऊपर में रूफ रेल भी मिलेगा जो कि फंक्शनल है। आपको मैं लेके चलूंगा, दिखाऊंगा इंटीरियर। उससे पहले इस ओर से भी टायर की कंडीशन देखिए, पीछे वाले भी टायर आप देख सकते हो, सारा कुछ ही बहुत ही तगड़े कंडीशन में, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और आइए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो वो आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि ये है स्कॉर्पियो S2, जहाँ पे कि आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा, पावर विंडो आपको मिल ही जाएगा, सीट की कंडीशन आप देख सकते हो, और ऊपर से रूफ वगैरह सारा कुछ अगर आप देखिएगा बहुत ही फ्रेश कंडीशन में है। तो 2016 मॉडल है ये, और कंडीशन देखिएगा तो आपको लगेगा कि 2018-19 की गाड़ी आप देख रहे हो। भैया जिस भी ऑनर ने रखा है बहुत अच्छे से रखा था। और सर मैं एक बार आपको बंकर जी बता दूँ, गाड़ी फुल्ली ओरिजिनल पेंट में भी गाड़ी है, फुल्ली ओरिजिनल पेंट में। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे बम्पर टू बम्पर भैया क्लेम कर रहे हैं ओरिजिनल पेंट में। हाँ जी, हमारे भाइयों के लिए कितने में यहाँ पे भरद्वाज इंटरप्राइजेस में? सर इसकी कीमत है सर 8,75,000। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी, देख लीजिए। लिटिल बिट ऑफ नेगोशिएशन बिल्कुल होगी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। रोमिंग बर्ड्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट और भी हम लोग करेंगे, रोमिंग बर्ड्स से जो भी यूट्यूब चैनल से आएंगे हमारे आपके बिहाफ से, रोमिंग बर्ड्स डेफिनेटली उनके लिए और नेगोशिएबल होगा। थैंक यू सो मच। मैं और भी लोगों के बारे बताना चाहूँगा कस्टमर्स को, सही फुल्ली इंश्योरेंस गाड़ी भी है, इसकी इंश्योरेंस में भी दिसंबर तक बची हुई है। चलिए, मतलब इंश्योरेंस भी नहीं कराना जो कि 20-25,000 का होता ही है, वो सेव है सर, वो आपको मिल रहा है इसके ऊपर में। आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए स्कॉर्पियो S2 ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे लगा हुआ है भैया। स्कॉर्पियो S2 हमने दिखा दिया है, कलर बहुत ही प्यारा था। आगे बढ़ते हैं, एक और स्कॉर्पियो दिख रही है आपके स्टॉक में। आपने कहा था बड़ी गाड़ी नहीं दिखाओगे, फिर भी दो बड़ी गाड़ी है यहाँ पे। बस दो ही होंगी सर, आप आइए, सभी तो आगे छोटी गाड़ी। चलिए ठीक है, दूसरी स्कॉर्पियो है भैया, व्हाइट कलर की, पटना रजिस्टर्ड, नंबर भी काफ़ी VIP है, 9966। कौन सी है भैया, कौन से साल की है? स्कॉर्पियो S10 है। स्कॉर्पियो S10 2014 की मॉडल है। हाँ जी, 2014 की दिसंबर की, 2014 की दिसंबर, ऑन पेपर 14 अदरवाइज 15 जी। हाँ जी, कितना चला हुआ भैया ये? चली हुई सर अप्रोक्सीमेटली आपको 65 के आसपास में चला हुआ है। ऑनरशिप हमें बताइए। चलिए तो ठीक है, फर्स्ट ऑनरशिप पे कार अभी आप देख रहे हो, 2014 की दिसंबर की स्कॉर्पियो S10 आपके स्क्रीन पे है, व्हाइट कलर की है। एसेसरीज़ की अगर हम लोग बात करें, सामने में आप देख सकते हो क्रोम ट्रीटमेंट आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि आपको क्रोम ग्रिल वगैरह सामने में बम्पर पे दिख रही होगी। आपको मैं वॉक अराउंड करा देता हूँ, क्योंकि भैया ने हमें डिटेल दे दिया। साइड प्रोफाइल आपके सामने रहा, जहाँ पे कि आपको अलॉय व्हील भी मिलेगी, टायर की भी कंडीशन आपको अच्छी मिलेगी। पेंट की अगर हम लोग बात करें भैया, बम्पर फोड़ के जो स्क्रैचेस होती है उसके अलावा कोई पार्ट पेंट नहीं? सर कुछ नहीं, सिर्फ बम्पर टू बम्पर, थ्रो आउट बम्पर जो पेंट हुए हैं, बाकी फुल गाड़ी ओरिजिनल पेंट में भी अभी है। ठीक है, एक चीज़ बताइएगा भैया, किन किन बातों के लिए आप मतलब यहाँ पे गारंटी लेते हैं? देखिए सर, क्या गारंटी में मैं आपको फर्स्टली कस्टमर को मैं इतने गारंटी दूंगा कि एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं होगी। हाँ जी, एक्सीडेंटल की फुली गारंटी हमारी है। उसके बाद किलोमीटर में सर, हम लोग कस्टमर को जैसे सेकंड हैंड गाड़ी, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ओरिजिनल किलोमीटर है या नहीं है। हाँ जी, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जो ओरिजिनल किलोमीटर की होती हैं, कुछ गाड़ियाँ ओरिजिनल किलोमीटर नहीं होती, जो कमिटमेंट हम लोग नहीं कर सकते। हाँ जी, हमारी अपनी गाड़ी तो है नहीं जैसे कि कमिट कर मेरी गाड़ी। नहीं नहीं बिल्कुल, वो कस्टमर ने अगर कुछ करके दिया है तो भाई उसमें कुछ नहीं कहते, काउंटर पर आके नहीं होती है। काउंटर पर उससे कोई फॉल्ट आपको नहीं मिलेगा सर, आप आइए, किसी भी मैकेनिक को, किसी भी जानकार को आप लेकर आ सकते हैं। हाँ जी, फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप गाड़ी लेकर जा। चलिए ये चीज़ आप देख लीजिए, और बाकी पेपर की तो गारंटी है जी सर, पेपर 100% गारंटी हमारी। चलिए, पेपर की फुल्ली गारंटी होगी, नॉन एक्सीडेंटल कार में भरद्वाज इंटरप्राइजेस डील करती है। आपने देख लिया है लेफ्ट हैंड साइड से लुक, राइट हैंड साइड से भी आप देख लीजिए, जहाँ पे कि आपको अलॉयल मिल ही रहा है। साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें, पेंट वगैरह की शाइनिंग बहुत ही अच्छी है अगर आप देखोगे तो। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, सीधे इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो स्कॉर्पियो S10 का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे अगर आप पावर विंडो पे भी गौर फरमाइएगा तो इससे पता चलता है बहुत अच्छे से यूज हुआ है, और काफ़ी कम यूज हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो इस पर भी अभी दाग धब्बे ज़्यादा नहीं लगे। बाकी स्टेयरिंग पे अगर देखिए, कुछ कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारा कुछ मिलेगा, साथ में एयरबैग का टैग, म्यूजिक सिस्टम, कंपनी फिटेड, सीट की कंडीशन बहुत ही शानदार है, बहुत ही कंफर्टेबल अगर आप देखे हुए तो पता लगेगा। बाकी सेलिंग वगैरह आप देख सकते हो, 2014 की दिसंबर की स्कॉर्पियो S10 भैया कितना चला हुआ आपने बताया था? सर ये चला हुआ 55,000। ठीक है, 55,000 किलोमीटर ड्रिवन है। हमारे भाइयों के लिए कितने पे दे रहे हैं सर? इसकी प्राइस आपको हमारे भाइयों के लिए सर 9,95,000। चलिए 10,00,000 के अंदर स्कॉर्पियो S10 लेकर जाइए, मार्केट में काफ़ी अच्छे प्राइस में अगर आप देखिएगा तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। अभी सर ये कस्टमर अगर लेकर न्यू शोरूम से अगर आप परचेस करते हैं तो 17-18 लाख के आसपास ये गाड़ी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भैया ने कहा है 9,95,000 अगर आपके पास है, स्कॉर्पियो S2 S3 नहीं, स्कॉर्पियो S10 ले जाइए। ठीक है, आगे आते हैं भैया, छोटी कार में हमारे पास कौन सी है ये?
ये सर 2017 की ऑल्टो 800 एलएक्सआई है। ठीक है, फर्स्ट ऑनर है, पटना रेसर्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं सर यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। इसके ये चली हुई अप्रोक्सीमेटली 26,000 के आसपास चली, 26,000 चली। जी सर, 26,000। 2017 की ऑनरशिप बता, ऑनरशिप फर्स्ट है सर, इंश्योरेंस अपडेटेड है, बहुत बढ़िया। मतलब कस्टमर रेडी टू मूव, जैसे मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ सर, रेडी टू मूव है, रेडी टू मूव है ये सर। हाँ जी, तो भैया का बहुत ही मतलब एक फेमस डायलॉग जो कि आप लोगों को पसंद आया था, तो रेडी टू मूव कार यहाँ पे भी एक लगी हुई 2017 मॉडल अल्टो 800 एलएक्सआई है। किलोमीटर क्या चला हुआ है? 26,000। ठीक है, 26,000 किलोमीटर चला हुआ है, मात्र 26,000 चला हुआ। अगर आप देखिएगा सिल्वर कलर के शेड पे यहाँ पे कार लगी हुई है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फिटिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो क्रोन ट्रीटमेंट और आपको ड्रोवाइजर वगैरह मिल रहा है। टायर पे लोग आते हैं तो टायर की अगर आप देखिएगा तो रेसा वगैरह सारा कुछ बाकी है, मतलब टायर की भी कंडीशन ओवरऑल अच्छी है। फ्रंट प्रोफाइल पे अगर हम लोग बात करें, बंपर पे लगा हुआ BR01, मतलब पटना रजिस्टर्ड कार, अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, सारा कुछ अच्छे से देख लिया आपने बाहर से। आपको मैं लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ इसका इंटीरियर आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो इंटीरियर में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग कवर वगैरह मिलेगा, साथ में आपको म्यूजिक सिस्टम भी सोने की मिल रही है। सीट की कंडीशन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको LED भी मिलेगा। आई गेस भैया इसमें बैक कैमरा भी लगा हुआ है क्या? चलिए, तो मतलब बैक कैमरा भी लगा हुआ है, तो आपकी पार्किंग में भी सहूलियत आपको मिलेगी। भैया अल्टो 800 LXi है जी सर, कितने रुपए की दे रहे हैं आप, क्या प्राइस रखें? इसकी प्राइस है 285,000। 285,000 रुपये में आपको मिलेगी 2017 मॉडल अल्टो 800 LXi। ठीक है, आगे आते हैं भैया, कौन सी है? स्विफ्ट है, डिजायर है ये सर, मारुति की स्विफ्ट डिजायर है सर। डिजायर है, ठीक है भैया। ये 2013 की मॉडल है। हाँ जी, फर्स्ट ऑनर है, पटना रजिस्ट्रेशन है सर, देख सकते हो जी, पटना रजिस्टर्ड ही है भैया। VDI है, VDI सेगमेंट में, ये डीजल है सर, VDI सेगमेंट में, बहुत बढ़िया। VDI भाई आप तो मतलब आ भी नहीं रहा है भैया, क्या लगा हुआ है? 2013 का मॉडल, 13 की मॉडल है। कितना चला हुआ है भैया? ये चली हुई है 42,000, 42,000 क्या? 42,000 चला हुआ है। ऑनर से? ऑनर से फर्स्ट। चलिए, मतलब ज्यादातर कार जब मतलब अभी तक जितने भी कार हमने दिखाया भरद्वाज इंटरप्राइजेस पे, आपको फर्स्ट ऑनरशिप पे दिख रही होगी। बाकी देख लीजिए, साइड प्रोफाइल आपके सामने है। स्विफ्ट डिजायर VDI वेरियंट 2013 मॉडल। टायर की कंडीशन देख सकते हो भाई, ब्रांड न्यू टाइप की आपको दिखेगी। बाकी आप देख रहे हैं प्रोफाइल, जहाँ पे प्रोफाइल देखे भी पता चलता है कि गाड़ी की प्रोफाइल अच्छी है, मतलब गाड़ी भी अच्छी ही होती है। सामने से आप देख लीजिए, पटना रजिस्टर्ड, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। साइड प्रोफाइल पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे साइड मिरर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा, साथ में आपको ड्रोवाइजर भी मिल रहा है, और यहाँ पे ग्लास के नीचे आपको क्रोम के स्ट्राइप भी मिलेगी। पीछे से अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए स्विफ्ट डिजायर, और यहाँ पे आपको VDI मतलब अच्छी खासी आपको इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी भैया। 20 की तो ऊपर इसकी माइलेज होती है, 20 to 25। हाँ जी, माइलेज का कंपैरिजन भाई, सेडान सेगमेंट में डिजायर को किसी को टच करने की भाई अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका इंटीरियर, जहाँ पे कि आपको पावर विंडो मिलेगा, ORVM कंट्रोल भी आपको मिलेगी। यहाँ पे स्टेयरिंग पे बात करें तो ध्यान रखा गया है, आपको स्टेयरिंग कवर मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड, सीट की कंडीशन पीछे वाली देखिए आप, आगे वाली भी आप देख सकते हो, सेलिंग भी आप देख लीजिए। तो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, भैया बताएंगे, सिद्धार्थ भैया बताएंगे कितने रुपए आपको लेकर आने होंगे घर से इस गाड़ी को लेकर जाने के लिए। इसकी कीमत है 4,35,000, 4,35,000। ठीक है, देख लीजिए, 4,35,000 में लोग स्विफ्ट बेच रहे हैं, भैया आपको डिजायर पे चढ़ाएंगे। बिल्कुल, अच्छी सी बड़ी सी डिग्गी भी आपको साथ में मिलेगी, तो फैमिली के साथ ट्रिप मारिए। फोर्ड की भैया फिगो एस्पायर है, ये फिगो एस्पायर है। ठीक है, जो कलर की स्कॉर्पियो थी उसी कलर की है। हाँ जी, फोर्ड की भैया लोहा भारी है, मजबूत कार है, डिटेल थोड़ा हमें दे दीजिए सर। ये फोर्ड फिगो की एस्पायर टॉप मॉडल है सर। हाँ जी, सेकेंड टॉप जी सर, सेकेंड टॉप मॉडल है ये, आपको 2018 की गाड़ी है, 2018 की गाड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑनर है सर। हाँ जी, पटना रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं सर, बिल्कुल इंश्योरेंस अपडेटेड है। हाँ जी, इसकी प्राइस है 6,25,000, 6,25,000 रुपये में आपको 2018 मॉडल फोर्ड फिगो एस्पायर सेकंड टॉप मॉडल मिलेगा। भैया डीजल है पेट्रोल है? डीजल है। ठीक है, क्या इकोनॉमी ये भैया निकालती है? अप्रोक्सीमेटली 15 प्लस जाएगी सर, 15 to 18 के आसपास। बहुत बढ़िया, 15 से 18 के बीच है भैया, इसलिए बोले हैं क्योंकि आपके थोड़े से ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है। बाकी आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल आपके सामने है, लंबी कार है, अगर आप देखिएगा तो डिजायर जितनी ये भी लंबी है, बाकी ये थोड़ी सी मजबूती में भाई टक्कर देती है अच्छी खासी कार को। बैक प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो TDCi, डैट मीन्स डीजल वेरियंट है, टाइटेनियम फोर्ड फिगो एस्पायर आपको दिख रहा होगा, पीछे क्रैश गार्ड भी लगा हुआ है। आपको मैं इंटीरियर दिखा दूँ थोड़ा सा चल के, तो अगर इंटीरियर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाएगा, जो कि आपको डोर पैनल पे दिख रहा होगा। बाकी स्टेयरिंग पे एयरबैग, फोर्ड की ब्रांडिंग जो कि खुद में एक शान है। बाकी यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी फिटेड मिलेगी, और ये रहा, देख सकते हो जहाँ पे कि टॉवल वगैरह भी लगा हुआ है। सीट की भाई कंडीशन ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, आप देख लीजिए अच्छी कंडीशन की सीट है। ऊपर भी अगर सीलिंग की बात करें अच्छी है, एयरबैग का टैग, डैट मीन्स सेफ्टी आपकी बनी हुई है जब भी आप कार को ड्राइव कर रहे हो।
भैया 2018 मॉडल 6,25,000 की आसिंग कर रहे हैं, लिटिल बिट ऑफ नेगोशिएशन बिल्कुल होगा सर। रेडी टू मूव कार बिल्कुल सर, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए भैया की जो मतलब कि आप हमेशा ही करते हैं, रेडी टू मूव कार है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, हमारे पास अल्टो लगी हुई है, बहुत बिकी थी जब ये आती थी भैया, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग। हाँ जी, BR1 है भैया, 2000 कब की आई ये सर? 2007 की गाड़ी है। 2007 की है, ठीक है। पटना नंबर है, पटना स्टेशन है, फर्स्ट ऑनर है। हाँ जी, इसका भी इंश्योरेंस अपडेटेड है सर, सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस आपको अपडेटेड मिलेगा सर। हाँ जी, इसकी प्राइस सर 1,35,000 है। 1,35,000, ठीक है, बजट कम है, देख लीजिए 1,35,000 रुपये लेकर आइए और ये वाली कार को अपना बना लीजिए। कितना चला हुआ भैया ये? चली हुई सर ये अप्रोक्सीमेटली 56,000 के आसपास, जो है जेन्युइन चली हुई सर इस गाड़ी की है सर। बहुत बढ़िया, 56,000 किलोमीटर चला हुआ है, ऑनर से फर्स्ट। चलिए बहुत बढ़िया, ऑनर से फर्स्ट है, देख लीजिए, प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, 1,35,000 रुपीज़ में ये वाली कार आपको मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको ले जाकर टायर भी चेंज कराना होगा, टायर की भी कंडीशन आप देख सकते हैं। और ये तो फ्रंट टायर थी ना भैया, पेंट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। पेंट जैसा कि अंकित जी आप देख रहे हैं, कुछ जैसे कि छत डिक्की बोनट जो इसकी ओरिजिनल पेंट में है, दोनों साइड और आगे पीछे के बम्पर, ये दो क्लाइडिंग वगैरह पेंट होती है, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं सर, छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, मॉडल भी आप देख रहे हैं 7 की गाड़ी है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेज और नॉर्मल चीज़ है। हाँ जी, स्क्रैचेज वगैरह नॉर्मल चीज़ है, और इसलिए आपको साइड वगैरह आप पेंट करा कर देते हैं ताकि आप लेकर जाइए तो आपको फील ना हो कि सेकंड हैंड आपको नहीं, कस्टमर को कोई एक्सपेंस नहीं करना हो। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी एक्सपेंस आपको ना लगाना हो, इसी वजह से आप देखिएगा तो एक्सेसरीज की बात ध्यान रखा गया है। बाकी मैं पीछे वाली टायर की भी कंडीशन दिखा दूँ, बहुत ही अच्छी टायर है। पीछे से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टेल लाइट की क्रोम फिटिंग मिलेगी, अल्टो एलेक्स आई है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको पावर विंडो तो नहीं मिलता है, बाकी अगर इंटीरियर पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा म्यूजिक सिस्टम सोनी का मिलेगा आपको, साथ में सीट की कंडीशन देख लीजिए। फ्रंट सीट की बात करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो सारा कुछ आपने देख लिया है। रेट भी काफ़ी अच्छा है और ऐसा नहीं कि फिक्स रेट है सर, सिद्धार्थ भाई? हाँ, फिक्स तो नहीं है सर, और भी थोड़ा बहुत बैठने के बाद तो नेगोशिएट करेंगे सर, निराश करके नहीं। बिल्कुल सर, अगर 1,35,000 अगर मैंने कस्टमर को अगर मैं बोल रहा हूँ सर, तो इसमें आपके भी आपसे भी आते हैं तो मैं इतना कमिट करता हूँ, सबके सामने मैं कमिट करता हूँ कि 1,35,000 में उसके बाद कस्टमर को कोई भी किसी तरह कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, जैसे ऑफिस कमीशन ट्रांसफर कोई चार्ज नहीं, सब इंक्लूड होकर आपको मिलेगा। चलिए फिर भी मतलब 10,000 तक का बचत भैया कराएंगे। बिल्कुल ठीक है भैया, हमने 1,35,000 की कार दिखाई, उम्मीद करूंगा भैया इससे भी सस्ती ये वाली कार आपको मिलेगी सर। ठीक है, रेट पे हम लोग आएंगे, पहले थोड़ा डिटेल दे दीजिए सर। ये मारुति 800 है। हाँ जी, फर्स्ट ऑनर है, ये भी पटना रजिस्ट्रेशन है, देख सकते हैं, देख रहे हैं सर, 2006 की मॉडल है, 2006 की मॉडल है। ठीक है, सिल्वर कलर की है भैया जी सर, पेंट वगैरह सारा कुछ ओरिजिनल पेंट में भी है सर, ये ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, ओरिजिनल पेंट में कार आप देख रहे हो, भले ही 2006 की है। कितना चला हुआ भैया ये? चला हुआ सर 90, ये इसकी कीमत है सर 95,000, चली भी है सर अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास में चला हुआ है, 95,000 रुपीज़ की आस्किंग की जा रही है। पटना शहर में देख रहोगे कि आपको नहीं मिलती है इतने कम प्राइस में कार, लेकिन अगर आपको चाहिए नाम याद कर लीजिए, भरद्वाज इंटरप्राइजेस पे आपको आना है, और अच्छे रेट में मतलब काफ़ी कम बजट का अगर आप सपना रखते हो एक सेकेंड हैंड कार लेने का, यहाँ पे लगी हुई है 95,000 रुपये में, इनसे मिल लीजिएगा। ये है प्राउड ऑनर सिद्धार्थ भैया, वो आपको दे देंगे। बाकी देख लीजिए यहाँ पे साइड प्रोफाइल, साथ में आपको दिखा दूँ C8 की टायर डली हुई है और बहुत ही अच्छे कंडीशन में। आपको मैं पीछे वाली भी टायर दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि कंडीशन दिखे आप, तो ये कंडीशन देख लीजिए। पीछे से अगर हम लोग बात करें 800 में, बस 800 नहीं है, 800 AC है, मतलब आपको AC भी मिलेगा, AC हीटर बोल, हाँ जी बोल, बिल्कुल AC हीटर दोनों ही आपको मिलेगा। देख सकते हैं आपको मैं इंटीरियर दिखा रहा हूँ अभी, और बहुत ही अच्छे से रखा है, जिस भी भाई ने या फिर जिस भी लोगों ने रखा है इसको, बहुत अच्छे से रखा है। तो 95,000 रुपीज़ की आस्किंग की जा रही है, आइएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई भी निराश करके आपको नहीं भेजना चाहता भैया। यहाँ पर रेनॉल्ट की क्विड है, ठीक है, 2019 दिसंबर की जी सर। चलिए मतलब बहुत ही नई कार है, वाइट कलर की, पटना रजिस्टर्ड। कितना चला हुआ है? पटना रजिस्टर्ड है, 2019 दिसंबर की गाड़ी है, स्टेपनी इसकी नन यूज है सर, अभी तक स्टेपनी भी यूज नहीं हुई है गाड़ी है। बहुत बढ़िया, 26,000 चली हुई है। हाँ जी, फर्स्ट ऑनर है। हाँ जी, 3,90,000 की प्राइस है, 3,90,000, ठीक है, 3,90,000 में आपको मिलेगी 2019 दिसंबर की रेनॉल्ट की क्विड। आपने देखा होगा वीडियो में बहुत रेट मांगते लोग 2018 मॉडल का भी, लेकिन सिद्धार्थ भैया आपको 2019 का दिसंबर का देंगे। आपको मैंने हमेशा ही रिपीट किया है कि 2019 का दिसंबर मतलब आप समझ सकते हो ऑन पेपर है, अदरवाइज 2020 ही समझिए आप। बाकी मैं आपको बता दूँ तो भाई अच्छे से कंडीशन का भी सकते हैं, स्टेशन कब की 18 दिसंबर 2019 की रजिस्ट्रेशन है। साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए भैया, स्टेपनी अनयूज है, अनयूज है स्टेपनी, फुल्ली ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, फुल्ली ओरिजिनल पेंट में। खैर मैं क्या ही बोलूँ,
बहुत कुछ बोल जाती है गाड़ी खुद में ही, तो वो आप देख सकते हो। टायर की कंडीशन की बात करें वो भी आप चेक कीजिए, जीकी की टायर है, रेशा भी नहीं गया है, तो आप समझिए कितना अच्छे से यूज़ किया गया है। बाकी मैं आपको साइड प्रोफाइल भी दिखा दूंगा, उससे पहले इस ओर से आप देख लीजिए, इस ओर से साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो। इसमें भी आपको रूफ रेल मिलती है लेकिन नॉन फंक्शनल होता है, किसी तरह का इसका यूज़ नहीं होता। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका इंटीरियर। टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, एयर बैग भी आपको मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे पावर विंडो भी आपको मिलेगी। सीट की कंडीशन आप देख लीजिए, तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो स्टेपनी की देख लीजिए भाई हालत, मतलब इस पे मैं क्या ही बोलूँ, इस पे लगता है कि हाथ भी ढंग से नहीं लगाया, मतलब इतना नया कंडीशन में आप देख सकते हो। तो ये सारा कुछ है देख लीजिए आप, आपको पता चल रहा होगा कि भाई नहीं, उसको ऐसे ही आप रहने दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पता लग रहा है कि ये यूज ही नहीं हुआ है। तो सिद्धार्थ भाई एक्चुअल में बहुत ही अच्छे कंडीशन की ये कार है, 3,90,000 आपने बोला है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मुझे पता है लोग बहुत महंगे में बेच रहे हैं। 2018 मॉडल, भैया ने काफ़ी अच्छा रेट बताया है। भैया आज की हमारी आखिरी कार जी, आखिरी कार की विटारा ब्रेजा, ZDI Plus, इसके ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ जी ZDI Plus सबसे ऊपरी है। ठीक है भैया, जिला दरभंगा रजिस्टर्ड है, बिल्कुल डिटेल थोड़ा सा हमें दे दीजिए, कौन से साल की? सर ये 2017 की सितंबर की गाड़ी है, अगस्त या सितंबर की होगी सर, मन तो उतना याद रहता नहीं है, बिल्कुल 2017 की गाड़ी है सर, ये फर्स्ट ऑनर है, दरभंगा रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल इंश्योरेंस अपडेटेड है सर ये। ठीक है भैया, विटारा ब्रेजा ZDI Plus जो की सबसे टॉप मॉडल है, मतलब एयर बैग, एलॉय व्हील्स, एवरीथिंग, हाँ जी, जो कुछ भी आपको चाहिए इसमें आपको मिलेगा। और भैया ये जब कार आती थी ना तो वेटिंग 3-4 महीने चला है, बिल्कुल होती थी, इतनी ज़्यादा ये रेयर कार है, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। कितना चला हुआ है भैया वो हमें बताओ? चला हुआ सर 36,000, 36,000 चली हुई है, ऑनर से फर्स्ट। ठीक है, 36,000 चला हुआ है, भैया ने डिटेल दे दिया, अब हम लोग देख लेते हैं कार को। पहले आप देखिए मैं दूर जाऊँ तो भाई बहुत ही अच्छी फील देती है, एक बहुत ही लग्जरी कार को रिप्रेजेंट करती है, आपको भी पता है जिसको कहते हैं लोग रेंज रोवर, तो खैर मैं जानता हूँ उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखिएगा इसका साइड प्रोफाइल वैसा ही आता है, और उसमें भी ZDI प्लस है ये, तो आपको सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं। टायर की कंडीशन आप देख लीजिए, साइड में आपको साइड मिरर पे इंडिकेटर भी मिलेगा। अंदर हम लोग जाएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे से भी मैं दिखा दूँ, डीजल वेरियंट है क्योंकि ZDI प्लस है। आपको मैं थोड़ा सा बैक प्रोफाइल की बात करूँ, ZDI दिख रहा होगा, पीछे में क्रैश गार्ड भी दिख रहा होगा, BR07 दरभंगा का नंबर है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंटीरियर आपको कैसा मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, डोर पैनल पे लॉक अनलॉक बटन है, साथ में एयरबैग कट है, कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम आप देखिएगा तो यहाँ पे टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एसी के लिए भी स्लॉट मिल जाएगा। और देख लीजिए भाई इंटीरियर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी है, साथ में कप होल्डर वगैरह सारा कुछ मिलेगा, ब्लैक इंटीरियर है, छत भी अगर आप देखिएगा भाई बहुत अच्छी कंडीशन में है यार, मेरा तो दिल आ गया इस कार पे। तो ये है हमारी आज की आखिरी कार, एक और है, एक और बिल्कुल वो रह गया, इसका क्या आस्किंग कर रहे हैं सर? ये इसकी आस्किंग अमाउंट है 8,75,000 रुपीज़ में आपको मिलेगा 2017 सितंबर की विटारा ब्रेजा ZDI Plus। हाँ जी, तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लेकर जा सकते हो। ये बात है भैया विटारा ब्रेजा की, अगली कार कौन सी? अगली गाड़ी सर महिंद्रा की, मैं आपको स्कॉर्पियो बोलेरो दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल, तो चलिए वो भी हम लोग चलते, काफ़ी डिमांड आउटर गांव वगैरह से, चाहे जो लोग आते हैं बोलेरो का ज़्यादा डिमांड करते हैं। बिल्कुल, पटना के बाहर से जितने भाई लोग आते हैं उसमें से लगता है 50% भैया डिमांड होता है बोलेरो के लिए। बिल्कुल सर, आइए मैं आपको लेकर चल के दिखा भी देता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा ZDI भैया प्लस था वो, हाँ जी, मतलब सारा कुछ था उसमें। लेकिन अब बात करेंगे उस कार के बारे में जिसके लिए मतलब कि गांव देहात से बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, भैया महिंद्रा की बोलेरो है ये, पटना रजिस्टर्ड है महिंद्रा की बोलेरो SLX है। फीचर्स में आपको सर पावर स्टीयरिंग, AC, पावर विंडो एंड पावर ब्रेक, चारों फीचर्स सर, बेसिक फीचर्स जो चाहिए वो तो मिल ही जाता है। 2000 कब की है? 2016 की अगस्त की गाड़ी सर। ठीक है भैया, कितना चला हुआ है ये? चली भी सर आपको अप्रॉक्सिमेटली 45,000 के आसपास होगी सर। ठीक है, और ऑनरशिप बता दीजिए? ऑनरशिप होगी सर फर्स्ट। चलिए फर्स्ट ऑनरशिप है 2016 की, आप बोलेरो SLX देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, जिसका कि आप कलर देख ही सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा टायर की कंडीशन, वो भी अच्छे कंडीशन में है। साइड टू फाइड की अगर हम लोग बात करें तो आपको रूफ रेल वगैरह सारा कुछ मिल रहा है, और एसेसरीज में आपको यहाँ पे आपको डोरवाइज़र वगैरह भी मिल जाएगी। बोलेरो SLX पटना रजिस्टर्ड है, 2016 की है, भैया ने हमें बता दिया है। आपको मैं लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ इसका इंटीरियर कि इंटीरियर में भाई कहीं सीट से कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटीरियर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देख लीजिए
पहले सीट की कंडीशन देखिए, बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी। पीछे वाली भी सीट मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे पावर विंडो आपको मिलेगा, महिंद्रा का कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिल रही है, सीलिंग वगैरह सारा कुछ आप देख लीजिए। तो वो मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी भाई डिटेल उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, भैया ने जितना चाहिए था दे दिया है। भैया 2016 की बोलेरो SLX हाई डिमांड कार आप दिखा रहे हो, MTDI इंजन के साथ में है, मतलब मेंटेनेंस भी लो हो जाता है और इकोनॉमी बढ़ जाती है। इकोनॉमी बिल्कुल बढ़ेगी सर, मतलब कुल मिला के भाड़े में चलाने के लिए नंबर वन कार। ठीक है भैया, कितने में दे रहे हैं सर? इसकी प्राइस है 685,000 है, 685,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। 2016 मॉडल अगस्त की आई है, आपको मिलेगी बोलेरो SLX। कहाँ पे मिलेगी? भरद्वाज इंटरप्राइजेस पे मिलेगी। तो ये देख लिया आपने हमारी आज की आखिरी कार बोलेरो SLX। भैया एड्रेस आपने बता दिया है, एक चीज़ बस हमें बता दीजिए, यहाँ पे आप लोन की सेवा दे रहे हैं भाइयों को? बिल्कुल सर, हमारे सभी कस्टमर्स के लिए लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है सर। हाँ जी, लोन भी प्रोवाइड, हम लोग कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑल ओवर बिहार भी प्रोवाइड करते हैं, बट जिनके लिए जिनको भी लोन हो सर उनका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, प्रोफाइल मीन्स अच्छा मीन्स ना ही कोई उनका चेक कभी बाउंस हुआ हो, ना ही कोई सिविल खराब हो, ये सब सही हो तो उनका लोन डेफिनेटली हो जाएगा और ईजी तौर पर हो जाएगा। अगर आपका पेपर अप टू डेट है, पेपर आपका कम्प्लीट है, अच्छा है प्रोफाइल आपका, तो हो जाएगा, है ना? पेपर में किसी तरह कोई अगर फॉल्ट हमारे कस्टमर को नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली है कि हफ्ता दिन के अंदर आपको लोन होगा, गाड़ी आपके दरवाजे। हाँ जी, गाड़ी की चाबी आपको मिल जाएगी हफ्ते दिन के अंदर में, है ना भैया? तो एक चीज़ फिर से हमें बताइएगा भैया, किस तरह से पहुँच सकते हैं? थोड़ा सा फिर से हमारे भाइयों को याद दिला दीजिए, किस तरह से भरद्वाज इंटरप्राइजेस पहुँच जाएंगे? सर हमारा ऑफिस भरद्वाज इंटरप्राइज के नाम से, संकित जी आप बता रहे हैं, जो हमारा ऑफिस भरद्वाज इंटरप्राइज के नाम से है, जो अगर आप पटना बोर्डिंग कैनाल रोड आते हैं, बोर्डिंग चौराहा से राजा पुल की ओर से अगर बढ़ते हैं आप, तो बीच सेंटर पर ही आपको भारत पेट्रोलियम मिलता है। बिल्कुल, बस उसके ठीक अपोजिट में JJ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें PNB का बैंक है। बिल्कुल, और वहीं पे डॉक्टर उदय नारायण का हॉस्पिटल है, डॉक्टर उदय नारायण। बिल्कुल, जो एक पिक पॉइंट वहाँ पे है सर। एक्चुअली वो बहुत ही मतलब एक अच्छा खासा आपको लैंडमार्क के तौर पे आप समझ सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो भैया ने बताया है भारत पेट्रोलियम का यहाँ पे रहा पेट्रोल पंप, JJ कॉम्प्लेक्स ये रहा, और इसी में पंजाब नेशनल का बैंक, उसमें अगर आप आइएगा तो वहाँ पे भैया आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी कार देंगे। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने। तो देखा आपने कि हमने सारी इंक्वायरी ले ली है, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। कैसा लगा यहाँ पे कार का स्टॉक वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी कार अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि एक बार आप ज़रूर से आओ, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी कार मिलती है। बजट आपका लो है तो 95,000 रुपीज़ की भी कार सिद्धार्थ भैया ने आपको दिखाई, 135,000 की आपको अल्टो एक दिखाई गई है, तो मतलब सारा कलेक्शन आपको मिलेगा। बड़ी कार में आपको देखा आपने कि आपके पास ऑप्शन है कि स्कॉर्पियो लेना है, बोलेरो लेना है, तो वो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। ईजी टूरिस्ट लोकेशन भी है पटना में, बहुत ही मतलब अच्छे एरिया में आता है, बोरिंग रोड वहीं पर इनका ऑफिस है। तो कमेंट करके आप बताइएगा अगर आपको यहाँ का वीडियो अच्छा लगा, और भी स्टॉक अगर आपको देखना हो वो भी कमेंट करके बताइएगा, आपका भाई जरूर से वीडियो लेकर आते रहेगा। तो बस ये आज के लिए तय रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।